ये बड़ी गाड़ी आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ लैंड क्रूजर 2008 मॉडल का V8 आप लोगों के लिए लाया हूँ। बेहतरीन वाली पिक है इसकी पिक, क्योंकि 4700 में है, इंजन बेहतरीन है। अब ये गाड़ी स्टार्ट, अब देखो मैं एकदम से इसको जो है ना वो करता हूँ, जबरदस्त वाली पिक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं खान एसबी मोटर्स यूसुफ आगा, और आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ और एक नए एपिसोड के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले रमजान मुबारक आप सबको, रमजान मुबारक। और दूसरी बात, आज मैंने पहना है ब्लैक सूट और आज आप लोगों के लिए मैंने लाई है ब्लैक गाड़ी लाई है। कौन सी गाड़ी लाई है भाईजान? आप लोगों के लिए बड़ी गाड़ी लाई है, लैंड क्रूजर। तो चलते आप लोगों कंप्लीट, आज मेरी जो पहले मैं आप लोगों को गाड़ी जिस तरह दिखाता था आज उस तरह आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। आज गाड़ी दिखाने का तरीका बिल्कुल टोटली चेंज होगा, आपको आज गाड़ी जो है बिल्कुल अलग से दिखेगी। जैसे कि आपको मैं एक एक चीज अलग अलग टोटल वीडियो में दिखाता था, लगता है कोई एक दो दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है, क्या रहा भाई आप जो है वीडियो लंबी कर देते हो। तो मैंने सोचा कि यार चलो वीडियो में शॉर्ट कर देता हूं, कम वक्त में आपको कंप्लीट गाड़ी दिखा दो। तो आज आप लोगों के लिए मैंने लाई है V8 लैंड क्रूजर टोयोटा कंपनी की है, जो कि जापान की मैन्युफैक्चर, रूफ कट। ये गाड़ी जो रूफ कट टेम्पर्ड है, बेहतरीन कंडीशन का तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी गाड़ी है, चली हुई गाड़ी है, अच्छी गाड़ी, बहुत ही कम कीमत में है ये गाड़ी। गाड़ी बड़ी है, कम वक्त में तो मुश्किल है, लेकिन पूरा कोशिश करूंगा कि ये कम वक्त में आप लोगों को आज की ये गाड़ी जो है आप लोगों को दिखा दूं। तो चलते आप लोगों को कंप्लीटली गाड़ी का विजिट करवाता हुआ चलू। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ लैंड क्रूजर आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर की बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी लाया हूं। सबसे पहले राउंड व्यू दे देता हूं, जैसे कि हमेशा आप लोगों को इस गाड़ी का, मैं सबसे पहले जो बड़ी गाड़ी में आप लोगों को, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मैं सबसे पहले आप लोगों को गाड़ी का राउंड व्यू देता हूं। तो आज फिर आप लोगों के लिए मैंने लाई है बड़ी गाड़ी कौन सी है, लैंड क्रूजर V8। और क्वेटा का मौसम आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे मौसम में और खूबसूरत मौसम में आज मैं आया हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त खाली स्पेस है, जहाँ पे आप लोगों को मैं आज गाड़ी कम्प्लीट आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आज की गाड़ी जो है V8 लैंड क्रूजर 2008 नो मॉडल की ये गाड़ी है, 2008 नो मॉडल की ये लैंड क्रूजर है, जो कि ब्लैक कलर के बेहतरीन कंडीशन के गाड़ी, टोटल A to Z गाड़ी शावर हुई है, टोटल गाड़ी जो है वो कलर है, अपना जीनियन कलर नहीं है, और गाड़ी जो है वो रूफ कट है। गाड़ी की प्राइस जो है वो तो लास्ट में आप लोगों को बताता हूँ। चलो इस गाड़ी में इंजन कितना है, आज की गाड़ी में जो है इंजन इसमें 4700 cc इसमें इंजन है, जो कि बहुत ही जबरदस्त कंडीशन में है। इंजन के हवाले से गाड़ी में कोई भी काम नहीं है, और साथ ही साथ गाड़ी की अब बॉडी आप लोगों को अब दिखाता हुआ चलो एक एक चीज अलग अलग। सबसे पहले ये मॉडल जो है वो है 2008 नो मॉडल की ये गाड़ी है, लेकिन 2008 नो मॉडल में ये शेप तो नहीं आता, उसका ये जाली इस तरह नहीं आती, लाइट इस तरह नहीं आती, इसके बंपर इस तरह नहीं आती, इसके जो फ्रंट ये अपना जो बोनट है वो इस तरह नहीं आता, इसके बैक लाइट जो है वो इस तरह नहीं आती। तो ये गाड़ी जो है 2016 की फेसलिफ्ट हुई है, 2016-17 मॉडल की जो है ना आज की ये गाड़ी जो है वो फेसलिफ्ट हुई, टोटल जो है इसका जो फ्रंट बोनट है, जाली है, लाइटें वगैरह, फ्रंट बम्पर वगैरह, वो जो है ना टोटल इसका जो है ना वो फेसलिफ्ट हुआ है। और साथ ही साथ इसमें जो रिम लगे हुए, रिम जो है ये भी जो है नए शेप की, इसमें जो रिम है वो भी नए शेप के लगे हुए। बाकी गाड़ी आप देख सकते हैं कि बाहरी गाड़ी में जो है कोई स्क्रेचेस वगैरह नहीं है, ब्लैक कलर है, अपना ओरिजिनल नहीं है, इस वजह से ज़्यादा चमक नहीं है गाड़ी में जो है, लेकिन गाड़ी का कंडीशन जो है वो अच्छा है, गाड़ी का कंडीशन कुछ इतना बुरा नहीं है, कंडीशन अच्छा है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना फिंगरप्रिंट ओपन, गाड़ी जो है ना आप यहाँ से खोल सकते हैं, रिमोट आपके करीब हो सकते, यहाँ पर या प्रेस कर ले और गाड़ी जो है ना वो दरवाजे खुल जाएंगे। और साथ ही साथ बैक साइड की तरफ चलते, बैक लाइटें, बैक डिक्की जो है वो टोटली, और साथ ही साथ बैक बम्पर जो है ये भी टोटली जो है ये चेंज हुआ है, ये भी 2016-17-18 मॉडल की जो नए शेप में आया हुआ है उसमें ये लाइट है। अब इसकी जो पुराने शेप की लाइट है वो इस तरह नहीं है, वो जो है अलग लाइट है। अब गाड़ी जो है, गाड़ी कलर हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक स्पॉट है, यहाँ पे एक जगह स्पॉट हुआ है जो कि दागी हुआ है, ख़राब हुआ है। इसी तरह गाड़ी जो है ना अभी थोड़ी गंदी है,
फिर भी जो है ना गाड़ी चमक रही है, अभी सफाई हो जाए तो फिर जो है ना गाड़ी का चमक ज्यादा हो जाएगा। जिसके अभी ये जगह मैं साफ करने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं गाड़ी दिखा दूंगा। ये आप देख सकते हैं गाड़ी जो है बाकी चमकीली है, गाड़ी है अच्छी कंडीशन में है, इतने भी दर बदर कंडीशन में चली हुई है, क्योंकि मैं गाड़ी का हमेशा जो भी बताता हूँ वो सच्ची बताता हूँ। अब मैं बोलूँ कि यार ये बिल्कुल जीरो मीटर है, नहीं, ये चली हुई गाड़ी है। अब इस साइड से भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी बिल्कुल साफ फिर बेहतरीन कंडीशन में है, बिल्कुल नए इसमें रिम और बिल्कुल नए इसमें टायर लगे हुए, ज़बरदस्त कंडीशन की। अच्छा, इंटीरियर की तरफ चलते हैं। इंटीरियर सबसे पहले मैं दरवाजे टोटली खोल देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और एक एक चीज़ आप लोगों को अलग अलग दिखा दूँ। इसका आप लोगों को मैं दरवाजे खोल के, आप ये दरवाजे इस वजह से मैं खो रहा हूँ, एक तो आपको गाड़ी एक एक चीज़ आपको अलग अलग दिख जाएगी और दूसरी गाड़ी में अंदर जो है वो रोशनी हो जाएगी, क्योंकि आज का जो वीडियो है, आज का यह जो व्लॉग है वो उस तरफ पहले जैसा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम वक्त में ज़्यादा गाड़ी दिखा दूँ। सबसे पहले इसमें बेज आप देख सकते हैं, इसमें जो है इस तरह का बेज यूज़ हुआ है जो कि इसका अपना ओरिजिनल ये बेज नहीं है। ये बेज इसका ओरिजिनल यहाँ पर जो है ना, ये बेज ओरिजिनल है लेकिन कुछ जगहों में जो है ये ओरिजिनल नहीं है। अब ये स्टेयरिंग में इसका जो बेज है वो ओरिजिनल है, वहाँ पर जो लगा हुआ बेज ओरिजिनल है। अब जैसे कि यहाँ पे ऊपर ये लगा हुआ, ये मुझे कुछ ओरिजिनल नहीं लग रहा है, कुछ मज़ेदार भी नहीं, मुझे अगर ओरिजिनल भी है कुछ खास मज़ेदार नहीं है। मल्टीमीडिया इसमें स्टेयरिंग है, मल्टीमीडिया स्टेयरिंग है, डबल मीटर की ये गाड़ी है। और ये खैर वो तो गाड़ी आप लोगों को मैं ड्राइव करके दिखा दूंगा। इंटीरियर में आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और खूबसूरत इसका इंटीरियर है, ब्लैक कलर। इसका डैशबोर्ड जो है वो टोटली ब्लैक कलर का इसमें डैशबोर्ड है, ब्लैक कलर का इसमें। अच्छा, ये जो है ये सादी V8, इसमें हेड कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन आज की गाड़ी में जो है कूल बॉक्स है। आप देख सकते हैं आज की गाड़ी में जो है कूल बॉक्स है लेकिन हेड कंट्रोल नहीं, इसके लेदर इसमें सीट्स है और इसका ये अपना ओरिजिनल जीनियन इसमें जो LCD आती है वही है। और टोटल AC वगैरह जो है आप कहाँ AC वगैरह ये रही वो रही, आप AC वगैरह जो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑडियो टेप और स्क्रीन वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ज़िगज़ैग की गाड़ी है, मल्टीमीडिया बिल्कुल वर्किंग में बिल्कुल काम कर रही है, पुश स्टार्ट ये गाड़ी है, ये जो है पुश स्टार्ट है। अच्छा, एक दोस्त को मैंने कहा कि अब आपको एक पुश स्टार्ट गाड़ी दिलाऊं, बोला नहीं यार, हर दिन मैं धक्के नहीं लगा सकता हूँ, मुझे चाबी स्टार्ट जो कि डायरेक्ट स्टार्ट हो, पुश स्टार्ट ये बटन वाली पुश स्टार्ट है। साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं, अच्छा इसकी सीट जो है सिल्वर कलर में, इसमें जो है ना ब्लैक डार्क गन मेटेलिक कलर आप कह सकते हैं। इसमें सीट्स है लेदर की सीट्स है जो कि करंट कंट्रोल है आप देख सकते हैं, और बिल्कुल ये वर्किंग में इसके सीट जो है वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ पुश स्टार्ट की वो तो आपको बता दिए। अब इसका दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं, गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल नहीं। इस कंडीशन की भी जो है लैंड क्रूजर की कीमत जो है वो 1.5 करोड़ रुपए है, लेकिन ये आपको बहुत ही कम कीमत में मिलेगी। अगला साइड का दरवाज़ा आप देख सकते हैं पीछे का, और साथ ही साथ 2018 मॉडल में बैक जो है वो पीछे जो है LCD लगी होती है, स्क्रीन लगी होती है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे बैक सीट इसके बिल्कुल साफ़ सुथरे पड़े हुए। अब पिछले जो दो सीटें हैं जो ये तो 7 सीटर गाड़ी, पिछले सीट भी इसकी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे। अच्छा, यहाँ पे ये AC, इसके AC वगैरह जो है वो टोटली वर्किंग में है, बिल्कुल इसका AC वगैरह जो है वो बिल्कुल ओके कंडीशन में है। कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द गाड़ी निपटा दूँ ताकि आपको जो है ना एक एक चीज़ अलग अलग से दिख जाए। रूफ़ भी बिल्कुल साफ़ सुथरा और बेहतरीन कंडीशन में पड़ा हुआ है। बहुत ही भारी दरवाजे होते हैं लैंड क्रूजर के, जो दरवाजे होते हैं बहुत ही भारी होते हैं। इस साइड की जो सीट है वो इस साइड का सीट भी जो है वो करंट कंट्रोल है जो कि बिल्कुल ओके। अब यहाँ पे तो गाड़ी का बोलोगे यार लैंड क्रूजर देखो इतना गंदा क्यों है, बस ये नॉन कस्टम पेड है, अब इसकी सफाई नहीं हुई है। शोरूम अभी ताज़ी अभी पहुंची, इसको जो है ना खाली रात को ये पहुंची है शोरूम, तो इस वजह से ज़्यादा सफाई इसकी नहीं हुई है। अच्छा दोस्तों, ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी कितने में मिलेगी? ये गाड़ी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए में मिलेगी जो कि नॉन कस्टम पेड है। सिर्फ और सिर्फ ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी 40 लाख रुपए में जो कि नॉन कस्टम पेड है। और अभी आप लोगों को इसका जो सबसे बड़ा चीज़ है इसका जो मैं इंजन है, इसमें इंजन कितना है? इंजन इसमें 4700 CC इसमें इंजन आती है, इसमें 4700 CC इसमें इंजन आती है और बहुत ही पावरफुल इसकी इंजन V8 4700 नई इंजन में आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत इसमें इंजन पड़ी हुई है। और उसके जो नई गाड़ियों का जो बोनट होता है वो हैंडल से नहीं होता है, वो शॉक से, इसके जो शॉक होते हैं उससे कंट्रोल होता है। अच्छा, बाकी इसका इंजन जो है वो बिल्कुल खुला वगैरह नहीं है, खुला नहीं है इसके इंजन जो है, इसको कोई इसके को अभी तक मिसाल इसको छेड़ा नहीं है। इंजन का कंडीशन जीरो कंडीशन में है, इतनी ज़बरदस्त इसकी पिक होती है। एक तो इंजन इतनी बड़ी है पर जो है इसकी पिक बेहतरीन होती है, आप लोगों को मैं ड्राइव करके भी दिखा दूंगा। 4700 CC इसमें V8 इंजन, ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी दोस्तों, ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपये में, सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपये में, जो कि नाम संपेट की आप लोगों को इतनी बड़ी गाड़ी ये 40 लाख रुपए में V8 2009-10 मॉडल का V8 है। सादी V8 इसमें सनरूफ भी नहीं है और इसमें हाइट कंट्रोल भी नहीं है। आज की गाड़ी में जो है सनरूफ भी नहीं है और हाइट कंट्रोल भी नहीं, आप देख सकते हैं इसका रूफ
सनरूफ भी नहीं है और राइट कंट्रोल भी नहीं है, रूफ भी बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा हुआ है। ये आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए में, जो कि मेरे शोरूम में मिलेगी। मेरे शोरूम का लोकेशन आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। गाड़ी जो है वो रूफ कट और टेम्पर्ड आप लोगों को जो इन्हें मिलेगी, जो कि बिल्कुल जबरदस्त और प्यारे कंडीशन में है। अब दोस्तों आप लोगों को मैं ड्राइव करवाता, वो भी चलूं कि इसकी ड्राइविंग कितनी बेहतरीन है। सबसे पहले ये रही रिमोट, तो मेरे जेब में है, मैंने पुश कर दिया है और ये रही गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब आ गया है, गाड़ी हो गई है डी में। अब इसकी पिक बेहतरीन वाली पिक है, इसकी पिक क्योंकि 4700 में है, इंजन बेहतरीन है। अब ये गाड़ी स्टार्ट, अब देखो मैं एकदम से इसको जो है ना वो करता हूँ, जबरदस्त वाली पिक, बेहतरीन पिक है यार। अब वापस चले अपने शोरूम की तरफ, जैसे कि हमेशा मैं ड्राइव करता करता अपना शोरूम जो है, मेरा जो शोरूम है वहां तक पहुंच जाता हूं।